हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ बेबी चौबे और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल चौबे फूड हब में। तो होली नज़दीक है, होली पास आ रहा है, तो आप सब जानते हैं कि होली हो और घर में पुआ ना बने तो आप झटपट बनाने वाला रेसिपी हम लेकर आए हैं जो कि बहुत आराम से और आसानी से बन जाएगा। चलिए हम पुआ बनाते हैं। हैप्पी होली। तो ये देखिए, पुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी मैदा ले लिए हैं। तो आप सब जानते हैं कि होली में पुआ बहुत जरूरी है, तो ये हम नॉर्मल तरीक़ों से बता रहे हैं, झटपट बन जाएगा और स्वादिष्ट भी होगा। तो यहाँ पर हम एक कटोरी मैदा ले लिए हैं और इसे हम आधा कटोरी सूजी ले लेंगे। पुआ सबके घर में बनता है, जहाँ भी आप होली में जाइएगा, रिश्तेदार के घर, दोस्त के घर, जहाँ भी जाइएगा तो पुआ ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये नॉर्मल तरीक़ों से बना रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम आधी कटोरी सूजी ले लिए हैं। सूजी हमें पूरा डाल देना है और इसी से हम एक कटोरी चीनी ले लेंगे। त्यौहार का भी ना रहा है और पुआ नहीं बनेगा, पुआ ज़रूर बनेगा, सबके घर में पुआ बनता है। तो यहाँ पर हम एक कटोरी चीनी ले लिए हैं और इसे हम इसी में डाल देंगे। यहाँ पर हमें एक कटोरी चीनी इसमें डाल देना है और थोड़ा सा हम मिला लेंगे, सारे सामग्री को मिला लेंगे। इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इलायची पाउडर हम डालेंगे, थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच के अनुसार। इसके बाद से हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएंगे और पानी डालकर हमें इसे गाढ़ा घोल बनाना है। तो इसे हम थोड़े थोड़े पानी डालते जाएंगे और इसे हम घोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए, घोल हमारा तैयार हो गया है और ये गाढ़ा घोल है और सूजी तो अभी फूलेगा इसमें, तो ये हम घोल दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ऐसे हमें बैटर बनाना है। तो हमें थोड़ी देर इसे छोड़ देना है, हम यहाँ पर करीब हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे फूलने के लिए। इसे हम घोल लिए हैं और इसे हम ढक के और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, जो बैटर था हमारा, तो ये 2 घंटा हो चुका है। तो इसे अब हम क्या करेंगे कि हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं और उसमें रिफाइंड भी डाल दिए हैं और रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है, तो हम फटाफट इसे छान देंगे पुआ को। तो चलिए तलना शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल सूजी को फूल जाना चाहिए। अगर आप रात में इसे घोल बना कर रखते हैं तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो ये देखिए, फिर भी 2 घंटे में पूरी तरह से सूजी फूल चुका है। तो इसमें हम एक एक करके डालेंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे। ऐसे करके हम तेल को ऊपर डालेंगे और ये देखिए उतना फूल गया। वैसे आप बनाइए हमारे रेसिपी के अनुसार और देखिए पुआ कितना फूलता है। ये देखिए, लग रहा है ना पूरी के जैसा फूल गया है। ये सूजी फूलने पर डिपेंड करता है, सूजी हमारा जितना ही फूलेगा उतना ही पुआ हमारा अच्छा फूलेगा। तो ये देखिए, एक और हम डालते हैं। डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे और झटपट बना लेंगे। और होली में किसके घर पुआ नहीं बनता, सारे लोगों के घर पुआ बनता है। हम झटपट ऐसे पुआ बना सकते हैं। पुआ तो कई तरीके से बनता है, लेकिन ये आसान तरीका है और टेस्टी भी लगेगा, स्वादिष्ट भी लगेगा। ये देखिए, दूसरा वाला भी वैसे फूल गया, बिल्कुल पूरी के जैसा फूल गया। तो आप ऐसे ही बनाइए हमारे रेसिपी के अनुसार। इसे अब हम उलट लेते हैं। देखिए, इसे हम उलट लिए, एक और डालते हैं। देख रहे हैं ना कितना अच्छा पुआ फूल रहा है। तो एक और हम डाल लेते हैं। ये देखिए, इसमें 5 पुआ डाले थे, तो जो पहले वाला डाले थे ये हो चुका है। तो इसका किनारी देख रहा है कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। ये देखिए, और इसका फूला हुआ देखिए कितना फूला हुआ है, इधर से भी दिखाते अभी गर्म है। ये देखिए, तो ऐसे आप झटपट बना सकते हैं और आसान है, बनाने में भी आसान है। बहुत अच्छा ये पुआ लगेगा आपको। आप इस होली पर बनाइए और बनाकर हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
हमारे सारे पुआ बनकर तैयार हो गया। आप ऐसे ही पुआ बनाइए, पास से दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा हुआ है और किनारी किनारी गोल्डन हो गया है। तो इसे आप बनाइए और बनाकर इस होली पे खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये पुआ कैसे हुआ, तो हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस होली पे आप हमारे रेसिपी के अनुसार पुआ बनाइए। हैप्पी होली आप सबको, तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू।